आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बच्चों में। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू हेल्दी हो। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है समय के साथ, क्योंकि हमारे डाइट में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जो पहले हम इतना आटा यूज़ करते थे, उसकी जगह मैदे वाले प्रोडक्ट्स में काफ़ी जाने लगे। इतने जंक फूड्स हैं, इतने सारी चीज़ों का एक्सपोज़र है कि बच्चे ज़्यादा उस पर स्विच हो गए, और काफ़ी हमारा जो लगाव दूध के प्रति है, तो मिल्क की डाइट में बढ़ोतरी और मैदे वाली चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है। और इन जनरल दूसरा जो इशू आ रहा है, वो हम इंडियन टॉयलेट से वेस्टर्न टॉयलेट में स्विच हो गए हैं, उसकी वजह से भी ये इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाइट में हमें फाइबर्स की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो फल फ्रूट हो गए, ओट्स, दलिया, मल्टीग्रेन चीज़ें, और पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, कई बार पानी कम पी रहे होते हैं, तो जितना पानी का इंटेक बेटर रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में दूध एज अप्रोप्रिएट जो है उतना ही रहना चाहिए, बहुत एक्सेस ऑफ मिल्क नहीं, और मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड कर सकें, क्योंकि बच्चों में आजकल जंक फूड को लेके और डाइट से रिलेटेड चेंजेस हो गए। और क्योंकि अगर बहुत क्रॉनिक हो गया कॉन्स्टिपेशन, तो कई बार सिर्फ डाइट चेंज से काम नहीं बनता, तो उसमें हमें कुछ टाइम के लिए मेडिसिंस देनी पड़ती हैं, और वो कई बार हो सकता है लंबे समय के लिए भी देनी पड़े, ताकि जो मांसपेशियों में जो स्टमक की जो चेंजेस आ गए हैं बड़ी आंतों में, उसको चीज़ों को सेटल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके अगर हम डाइट प्रॉपर देंगे और दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट सेटल होगा। सेकेंड जो है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग, कि हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चा अगर पॉटी सीट पे बैठा है, तो बाय वॉच कम से कम 5 से 10 मिनट बैठे, क्योंकि वो बच्चे जल्दी में रहते हैं, खेलने के चक्कर में रहते हैं, तो पहले अगर आ भी रहा होगा पॉटी तो जाएंगे नहीं, रोकते रहेंगे, रोकेंगे तो फिर टाइट हो जाएगा, या पॉटी सीट में बैठे भी तो तुरंत चले गए, उन्होंने उतना टाइम ही नहीं दिया कि वो प्रेशर जनरेट हो सके। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और पॉटी सीट में अगर बैठे तो नीचे एक स्टूल हो, ताकि बच्चा बहुत लटका ना हो, एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जिसमें नीज थोड़ा हाई अप हो, तो एक नेचुरल जो एंगल है पॉटी का जो सीट के लिए वो बनेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा बच्चे के लिए। सो टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ साथ हमें डाइट में चेंजेस करने हैं, वाटर का इंटेक बढ़ाना है, और डाइट में फाइबर्स जो हम नेचुरली डाइट के थ्रू दे सकते हैं वो करें। और अगर बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत ही हार्ड पॉटी होती रहती है, तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें कि कुछ कॉमन बीमारियाँ लाइक थायराइड या कुछ और चीज़ हमसे मिस तो नहीं हो रही।